अस्सलाम वालेकुम। माय सीएसएस प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ये कुछ अल्फाज है जो कि डॉन न्यूज़पेपर में से मैंने लिए थे और इनकी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, याद भी मुझे करने पड़ते हैं। ये मैंने कुछ प्रिपरेशन की है एंड मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ। मेरा जो एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड इसके अलावा मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, आईआर के नोट्स बना रहा हूँ मैं, और इसी के अंदर मुझे करंट अफेयर भी एडजस्ट करना है। नोट्स आप जो है वो बुलेट्स पॉइंट में बनाया करें, और बड़े बड़े जो पैराग्राफ है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है और आपको जो है सिर्फ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट डाउन करनी है। बाकी जो आपको पता है कि आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप अपनी इंग्लिश की भी तैयारी साथ साथ रखें। ये मेरा दूसरा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, और ये मेरा एक और सब्जेक्ट है जेंडर स्टडी, और ये भी साथ साथ में कवर कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी। एंड ये मेरा टाइम टेबल है और सिलेबस भी है, टाइम टेबल भी मैंने बना दिया है। ये मेरा सिलेबस है, इस सिलेबस मैंने डाउनलोड किया था उसकी जो है FPS की वेबसाइट पे से, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है, देखें बिल्कुल मैंने जो है वो बुलेट्स पॉइंट बनाए हैं। अब जनरल साइंस एबिलिटी का मैंने जो फर्स्ट जो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स है, उसका मैंने पोर्शन स्ट्रक्चर एंड कौन जो है वो मैंने बना दिया है। देख सकते हैं बिल्कुल मैंने जो है वो छोटे और बुलेट्स पॉइंट लिखे हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखे मैंने, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें वो मैंने रखी है, आप देख सकते हैं। एंड देन मेरा जो सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है आईआर, क्योंकि आईआर मेरे दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है, इस वजह से मैंने आईआर को सजेस्ट किया है। देन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फैक्ट बुक बनाई हुई है, आप देख सकते हैं फैक्ट बुक किस तरीके से बनाई जाती है। इसके अंदर मैंने डॉन न्यूज़, और जब मेरे पास अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो मैं न्यूज़पेपर से उठा के इसके अंदर लगा देता हूँ, ताकि मुझे जो है वो याद करने में भी आसानी हो। ये फ़लस्तीन इशू है, यानी जिस टाइप का जो इशू होगा वो मुझे नोट डाउन करना पड़ता है इस फैक्ट बुक के अंदर। इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने लिखी है जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद आ सकती है, इससे भी कोई सवाल आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा।